छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत भेलदा के एक छोटे से गांव अंगरोठा में महिलाओं ने ऐसा कार्य किया है जो आज सभी के लिए मिसाल बन चुका है। पंचायत की लगभग 400 से ज्यादा महिलाओं ने जल संवर्धन के क्षेत्र में परमार्थ समाज सेवी संस्था के सहयोग से लगभग 107 मीटर लंबे पहाड़ को काटकर एक ऐसा रास्ता बनाया है जिससे उनके गांव के तालाब में अब पानी भरने लगा है। अब उन्हें खुशहाली नजर आ रही है। महिलाओं ने कहा है कि ये जीत है जल सहेलियों की और ये जीत पानी पंचायत की भी है। पहाड़ों के जरिए बरसात का पानी बहकर निकल जाता था, इस पानी को सहेज कर महिलाओं ने गाँव की दशा और दिशा बदल कर रख दी है। गाँव के बारे में कहना चाहते हैं कि हमारे गांव में इतना अच्छा संगठन बना है और ऐसा ही बना रहे, एक साथ हम साथ जुड़े रहें और ऐसे ही पानी के लिए हमको कभी घटी बड़ी नहीं होनी चाहिए और ना कभी हमारा संगठन टूट जाए परमा समाज सेवा के लिए। और जो भी हमारे पे जो कुछ बनता है थोड़ा घटा बड़ी से, वो आप हमारे के लिए संग देना परमा समाज सेवा, हमारे कभी पीछे मत छोड़ना, कभी भी परेशानी हो तो आप हमारे लिए हाथ उठा के रखना, यही हमारे लिए संसार से यही मांगते हैं। वो पिछले वर्ष हम लोगों ने परमार्थ समाज सेवी संस्था से हम लोग जुड़े हुए हैं। पिछले वर्ष हम लोगों ने 3 आउटलेट, 6 चेक डैम और 2 कुआं रिचार्ज करवाए थे जिसमें अच्छा पानी भरा हुआ था बारिश की वजह से। और इस वर्ष भी हमारे तालाब में, तालाब तो बहुत दिनों से बना हुआ लेकिन उसमें अधिक पानी नहीं जाता था जिसकी वजह से वो पानी उनके गिर रिसाव होकर निकल जाता था और तालाब सूख जाता था। इसलिए हम लोगों ने परमार्थ समाज सेवी संस्था की मदद से सारी जल सहेलियों ने मिल कर के एक यहाँ से जंगल का पानी रोक कर और तालाब में एक नाला के द्वारा पहुँचाया जिससे एक ही बारिश में हम लोगों का तालाब बहुत सारा भर गया है। और इससे पीने के लिए भी पानी का वाटर लेवल बढ़ेगा और कम से कम करीब बहुत सारे किसानों के लिए खेती के लिए भी पानी पर्याप्त होगा और खरीफ की फसल के लिए भी बहुत सारा पानी हो जाएगा और फसल भी अच्छी होगी जिससे किसानों के लिए बहुत सारा फायदा होगा। और मतलब कि गाय भैंसों के लिए भी पानी पर्याप्त मात्रा में हो जाएगा तैरने के लिए, पीने के लिए, और गांव का वाटर लेवल बढ़ेगा जिससे नलकूपों में पानी ऊपर आएगा और महिलाओं को लिए ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। जल जनजोड़ो अभियान के राज्य संयोजक मानवेंद्र सिंह बताते हैं कि बुंदेलखंड पैकेज से इस तालाब का निर्माण कार्य हुआ था जो अभी तक उपेक्षा का शिकार रहा, इसमें पर्याप्त पानी भी नहीं भर रहा था। वन विभाग के साथ सामंजस्य स्थापित कर 107 मीटर के पहाड़ को काटा गया और अब इस 40 एकड़ के तालाब में लगभग 70 एकड़ एरिया में पानी भर रहा है। सूखे हुए कुएं में पानी आ चुका है, जो हैंडपंप सूख चुके थे वे भी पानी देने लगे हैं। कृषि के सुनहरे भविष्य की कल्पना किसान कर रहे हैं। 400 से ज्यादा महिलाओं ने श्रमदान कर अपने गांव की खुशहाली के लिए मेहनत की है। जब पूरे देश में कोरोना का कहर जारी हो, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही हो और ऐसी परिस्थिति में एक गांव जहां की महिलाओं ने अपने अधूरे तालाब को, अधूरा तालाब मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज से एक दशक पहले बनाया गया जो कभी भरता नहीं था, उसके भरने के लिए पहाड़ को काट कर और वन विभाग के सौजन्य से उस तालाब को पानीदार बनाने का काम किया। अब उस तालाब को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए, उस तालाब को निरंतर जिंदा रखने के लिए आज यहाँ पर लगभग 400 महिलाओं ने यहाँ इकट्ठे होकर ये वृक्षारोपण किया है। इस वृक्षारोपण में आज मैं उपस्थित होकर अपने को बहुत भगवान मानता हूँ कि मुझे भी इस अवसर पर शामिल होने का अवसर मिला। मैं संकल्प लेता हूँ कि इस गाँव को देश के नक्शे पे लाने के लिए अपनी जी जान से प्राणपण से जुटूंगा और इस गांव को देश के नक्शे पे लाने का काम करूंगा। देखिएगा अजय जी, आपने तो बहुत ही बेहतरीन सवाल आपने पूछा। ये वो जगह है, ये तालाब वो है जो यहाँ से एक नदी निकलती है और बछेड़ी इस इलाके की, इस करीब 2 दर्जन गाँव की आत्मा है जहाँ के लोगों को सिंचाई भी होती है, पानी भी मिलता है। यहाँ यद्यपि धसान पे बांध सुजारा जैसा बड़ा परियोजना है लेकिन स्थानीय स्तर पर 1 दर्जन गांव के लोगों के लिए अगर ये तालाब जिंदा होगा तो ये नदी 12 महीने घूमेगी। आप जैसे सुधी पत्रकारों ने, आप जैसे शुभचिंतकों ने और इस इलाके के लोगों ने बछेड़ी को जिंदा करने की जो 2 साल से मुहिम शुरू की थी, अब उसके जब किसी नदी का जहाँ उद्गम होता है और उद्गम पे पानी के ठहराव को आपने बढ़ाया है तो मुझे पक्के में भरोसा है कि ये नदी
अनवरत रूप से बहती रहे। यहाँ के 10 पंचायतों को लिया था जिसमें मॉडल बनाने की दिशा में हमने काम किया था कि हम इनको मॉडल बनाएंगे, फिर सरकार के साथ मिलकर इसको कैसे हम और बाकी गाँव में इसको इसका फैलाव करेंगे। तो हम ये अगरोठा जो भेलदा पंचायत का एक राजस्व गाँव है, इसमें हमने जब शुरुआत में हम लोगों ने देखा तो गांव वालों की एक बड़ी पीड़ा ये थी कि ये तालाब जो देख रहे हैं आपकी 40 एकड़ से बड़ा तालाब है और ये बुंदेलखंड पैकेज में वर्ष 2009-10 में बना था, लेकिन विडंबना ये कि इस तालाब के ठीक बाद आप जैसे देख रहे हैं कि ये पहाड़ है पूरा, तो जितना केवल रेन सीधा गिरता है उस तालाब में उतना ही केवल भर पाता है और बाद बाकी एक बड़ा भूभाग का पानी जंगल का और पूरा इस नाले से होके निकल के पूरा बछेड़ी में जाता है। दूसरा एक बात और इसके बताते चलें कि चूँकि जल जन जोड़ो अभियान इस पूरे एरिया में पिछले 4 साल से काम कर रहा है और उस समय बछेड़ी नदी के पुनर्जीवन के लिए परमार्थ ने एक पहल शुरू करी थी जिसमें यहाँ से 18 किलोमीटर की नदी में जितने भी नदी नाले पड़ रहे थे उन नदी नालों को कैसे पुनर्जीवित किया जाए, तालाबों को कैसे ज़िंदा किया जाए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि गाँव में हमने वाटर सिक्योरिटी प्लान बना के और उन गाँव के ग्रामीण और युवाओं को जोड़ के हमने उनके अलग अलग गांव के स्तर पर प्रयास करने का काम किया था। और आप ये देखें कि 2019 में जब यहाँ हम लोगों ने काम किया तो एशिया इनिशिएटिव एक संस्था है जो भारतीय मूल बेस है अमेरिका में, तो उन्होंने कुछ हमें मदद करी थी और हमने 2019 में इस गांव में एक गांव का एक एरिया जो पूरब और उत्तर का एरिया है उधर हमने पूरा रिज टू वैली पूरा पानी को संरक्षित किया है जिसमें हमने 3 चेक डैम और 2 आउटलेट और 1 वाटर रिचार्ज का हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया था और उसका इम्पैक्ट ये दिखा कि उस पूरे से एरिया में वहाँ का जितना कुओं का वाटर लेवल था वो बढ़ गया, गाँव के हेडपम्पों का वाटर लेवल में काफ़ी बदलाव आया। लेकिन फिर भी गाँव वालों की एक थी, जैसे जैसे हम लोगों ने इस काम किया पूरे मुहिम में गाँव की महिलाओं का एक बड़ा साथ रहा और आज आप देख रहे हैं कि महिला और यूथ के वजह से आज पूरा गांव एक साथ जब भी कोई बात आती है तो एक साथ खड़े होते हैं।